हेलो दोस्तों, एग्जाम में आपका पुनः स्वागत है। और आप लोगों के बीच जो है एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। बहुत स्टूडेंट जो है मैसेज और कॉल आ रही थी कि सर जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है उसके बारे में थोड़ा क्लियर कर दीजिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले वैकेंसी आ गई है, इसको कौन भर सकता है, इसमें फॉर्म कौन फिल कर सकता है? तो जिन्होंने भी 2021 में पीटी का एग्ज़ाम दिया था, पहली चीज़ एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया सबसे पहले तो यही है कि जिन्होंने पीईटी का फॉर्म दिया था वो फिल कर सकते हैं फॉर्म। दूसरी चीज़ 12th पास हो और प्लस CCC हो उनके पास, ठीक है। इसके बाद जो है बात करते हैं, 21 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है और 21 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। 14 नवंबर जो है अंतिम तिथि है और 21 नवंबर जो है फीस जमा करने की अंतिम तिथि है। तो आप अंतिम तिथि पर ना जाइएगा, पहले ही फॉर्म फिल कर दीजिएगा। फिर दूसरी बात आती है कि इसमें जो है वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी जो है 1262 वैकेंसी है टोटल। और फिर एक क्वेरी आ जाती है कि सर कितने बुलाए जाएंगे, कट ऑफ कितनी जाएगी? तो मोस्टली देखा गया है अभी जितने भी UP SSC के एग्ज़ाम हुए हैं तो उनकी कट ऑफ ज़्यादा ही गई है जो रिटर्न में बुलाए जाते हैं स्टूडेंट। तो इसमें भी नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया है जितनी भी वैकेंसी हैं उनका जो है 15 गुना, तो 1262 × 15 लगभग जो है 19,000 के करीब स्टूडेंट जो है बुलाए जाएंगे इसमें, जो मेंस एग्ज़ाम लिखेंगे बैठ के, मतलब देंगे। ऑब्जेक्टिव होगा लेकिन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि उसमें सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस ही मेन है जो समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले भी 100 नंबर का होता था, इस बार भी 100 नंबर का ही है। पहले 55 नंबर का रिटन, 35 नंबर का जो एकेडमिक होता था और 10 नंबर का इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू इस बार ख़त्म कर दिया गया है। तो इस बार क्या कर दिया गया है, पहले 40 हिंदी के क्वेश्चन होते थे, अब 60 हैं। तो 60 क्वेश्चन 30 नंबर, एक क्वेश्चन आधा नंबर का होगा। तो 60 हिंदी के होंगे, 30 जो है रीजनिंग के होंगे और 40 जो है GS के होंगे। और ये जो है कितने, 60 30 90 90 4 130, 130 क्वेश्चन आधे आधे नंबर के होंगे, टोटल होंगे 65 नंबर के। और इसमें जो एक खास बात ये है कि इस बार माइनस मार्किंग भी है 1/4। तो 65 नंबर आपका ये हो गया। और 12 के अगर 12th जो है इंटरमीडिएट आपका 60% से ऊपर है तो आपको पूरे पूरे 20 नंबर मिलेंगे, अगर उससे कम है तो 15 नंबर, तो 20 उसमें। तो 65 20 कितना हो गया, 85। फिर अगर आपने स्नातक किया है तो स्नातक में आपको अगर 60% से ऊपर है तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे, तो कितना हो गया, 85 10 95 हो गया। और जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के लिए अधिकतम 5 अंक रखे गए हैं। जैसे कि जो भी राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय जो भी और विश्वविद्यालय स्तरीय के जो भी खिलाड़ी हैं, सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, उसके लिए जो है 5 अंक निर्धारित किए गए। तो इस हिसाब से जो है आपके पूरे हो गए 100 अंक। तो ये 100 अंक जो है आपको जो है सिलेक्शन दिलाएंगे। इसके अलावा एक क्राइटेरिया और है, वो क्राइटेरिया है टाइपिंग का। आपकी हिंदी और इंग्लिश, हिंदी जो है 25 शब्द पर मिनट और 10 मिनट कराते हैं टाइपिंग, और हिंदी इंग्लिश जो है 30 शब्द पर मिनट, ठीक है। हिंदी जो है कृतदेव आप अभी से ही सीख लें, मैंने पहले ही बता दिया है कौन सी उसमें लेंगे। इतना सब कुछ है, 2000 ग्रेड पे की नौकरी है आपको, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही। ग्रॉस सैलरी लगभग आपके इन हैंड, आपको NPS NPF कट के मैं बता दे रहा हूँ, 26-27 हज़ार से आपकी जो है स्टार्टिंग हो जाएगी। इसमें मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ, अभी मैं TA DA आपको सब कुछ जुड़वाने लगूंगा तो टाइम होगा और आपको समझ में भी चीज़ें अभी कम आएंगी। तो बशर्ते आप लोग सभी लोग फॉर्म डाल दीजिए और कोशिश करिए, भगवान करे सबका जो है, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं सबका जो है सब कट ऑफ के अंदर आ जाएं और तैयारी करें। कोशिश करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से भी अब जूनियर असिस्टेंट की तैयारी अच्छी अच्छे से कराई जाएगी। हिंदी और GS तो आप मान लीजिए कि अच्छे से ही करा दिया जाएगा इस पर, क्योंकि अब जो है कोशिश रहेगी कि यूट्यूब पर आया जाए। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो जूनियर असिस्टेंट से लेकर तो आप जो है हमको मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है कुछ हमारा भी सपोर्ट हो और लोगों को भी कुछ जानकारी हो। और मुझे तो नहीं लगता ऐसे कि जूनियर असिस्टेंट में कोई ऐसी जानकारी जो हमको रह गई है देनी। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ अंदाजे में, कट ऑफ जो है जनरल के लिए आई थिंक 75 के आसपास रहेगी, OBC 70 और SC के लिए 65, मेरे हिसाब से इतनी कट ऑफ रहने वाली है। तो बाकी अब आप लोग जो है देख लीजिएगा, फॉर्म फिल कर दीजिए, सबको बेस्ट ऑफ लक है। बाद में मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।